पूरे राज्य का, पूरी स्टेट का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। आपको पूरी की पूरी जॉब मिलेगी, एक लॉ क्लर्क या लॉ असिस्टेंट के तौर पे, लीगल असिस्टेंट के तौर पे आपको हायर करा जा रहा है। और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रखी है उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए जो अभी वेट कर रहे हैं, और जो फ्रेशर्स हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रॉपर 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी आराम से मिलेगी। इसके अंदर एक फायदा यह है, आपको डेली बेसिस पे एडवोकेट जनरल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, एडिशनल एडवोकेट जनरल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, हाई कोर्ट के जो गवर्नमेंट प्लीडर्स होते हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, सरकारी वकील जो स्टेट के जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके साथ आपको असिस्ट करने का मौका मिलेगा। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपको कमी नहीं मिलेगी। आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, लास्ट डेट इसकी बहुत कम रह गई है। तो आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, 100% सभी लोग जो लॉ ग्रेजुएट अभी जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुए हैं सभी लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मेरे को एलएलबी में एडमिशन लेना है, मेरे को क्लैट का एग्जाम निकालना है, मेरे को इंडिया के बेस्ट लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्लैट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अनअकैडमी उन सभी बच्चों के लिए सारी की सारी परेशानी दूर करेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरे के पूरे क्लैट की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको स्पेशली और स्पेशली क्लैट की तैयारी कराएंगे, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड जीके, जो पूरे का पूरा क्लैट का सिलेबस पूरा हो जाता है। और इसी के अंदर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि रोज यहां पे टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें आपको 30 मिनट्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। ऐसी हर संडे 10 बजे 2 घंटे का आपका टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आपको अगर अनअकैडमी में ज्वाइन होना है, क्लैट का अपना कोर्स लेना है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका एक बारी में क्लैट निकल जाए, तो आप 3 महीने का कोर्स खरीदोगे, आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा। 12 महीने का कोर्स खरीदते हो तो आपको 2 महीने का फ्री मिलेगा। 24 महीने का कोर्स खरीदते हो तो आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा। बस आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए, मुझे मन से तैयारी करनी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने के प्राइजेस शो हो रहे होंगे। बस आपको कोड लगाना है SLG10 का। एडिशनली आपको हाथों हाथ 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही में जो मैंने आपको ऑफर बताया था, 1 महीना फ्री मिलेगा, 2 महीने का फ्री मिलेगा और 3 महीने का फ्री मिलेगा। जैसे जैसे 3 महीने का कोर्स खरीदते हो, 12 महीने का कोर्स खरीदते हो, 24 महीने का कोर्स खरीदते हो, तभी सबसे पहली बात आती है कि एडवोकेट जनरल ऑफ कर्नाटका, यानी कि जो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन केस लड़ता है, एडवोकेट जनरल लड़ता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। इसके लिए आपको बात ध्यान में रखनी है, ड्यूरेशन 1 साल तक के लिए आपको लॉ असिस्टेंट के तौर पर, लॉ क्लर्क के तौर पर आपको हायर करा जाएगा, जो 1 सितंबर 2021 से डेट चालू होगी। इससे पहले पहले आपको अपने आपका सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। जो लोग इंटरेस्टेड है, मेरे को लिटिगेशन में ही जाना है, मुझे एडवोकेट ही, तो उनको कैरियर स्टार्ट करने के लिए इन लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, इन लोगों से जान पहचान बनाना बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो ये कैसे बनेगी, जब आप काम करोगे, जब अपनी स्किल्स आप इन लोगों को दिखाओगे, जब ही तो ये आपके कैरियर को बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपको ड्यूरेशन है 1 साल की। एलिजिबिलिटी क्या है, भाई आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए हो, पहली बात। इसके बाद इसके अंदर दूसरी बात लिखी हुई है, आपके पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सभी लोग भर सकते हैं। अगर जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, वो लोग भी भर फॉर्म, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी 1 से 2 साल पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन भी हुआ था। तो ऐसे ही आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लोग सेलेक्ट होंगे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, हम आपस में वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे। तीसरी बात आती है इसके अंदर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए लिटिगेशन में। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जो है लिटिगेशन के अंदर इंटरेस्ट नहीं चाहता है, वो फॉर्म भर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाए, फिर वो बेमन से काम करे, फिर उसको 2 महीने में 3 महीने में निकाल दिया जाए। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप बर्बाद मत करिएगा। जो बच्चों का इंटरेस्ट है कि मुझे एडवोकेट ही बनना है, मुझे लिटिगेशन में ही जाना है, उन सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अब इसके फोर्थ बात करें, आपका जो है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब कि 55% से अगर आपके ऊपर मार्क्स है ना, तो ये कैटेगराइज होता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड है। 55% या 55% से ज्यादा अगर आपके एलएलबी के अंदर मार्क्स आ रखे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अंदर आते हो। अब इसके बाद आती है, आपको ना थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च की, ड्राफ्टिंग की, और इसके अंदर जो है राइटिंग स्किल्स की। ड्राफ्टिंग का मतलब यही होता है, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स को भी अप्लाई मौका दिया जा रहा है कि आप आओ हमारे साथ काम सीखो, दिन बाय दिन धीरे 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 2 महीने 3 महीने के अंदर आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, जो आपको अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के तौर पे इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिस आप करना की सोच रहे हो, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा यहां पर 100%। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार 1 या 2 साल आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके देखो, उसके नेक्स्ट मंथ देखना आप अपनी इंडिपेंडेंट जब प्रैक्टिस करोगे आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और लोगों के मुकाबले। अब इसके अंदर एक और बात आती है,
प्रोफाइल। मान लो आप जब सिलेक्ट हो जाती हो तो आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, ये इसलिए बताता हूं, ये पोर्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका जब एप्लीकेशन भेजे होंगे यही पोर्शन आपको सबसे ज्यादा काम आता है। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है भाई आपको ना एडवोकेट जनरल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई है नहीं कि पूरी की पूरी स्टेट का जो सबसे बड़ा वकील होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, तो इसीलिए आपको इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा डेली बेसिस पे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको डायरेक्टली असिस्ट करने का मौका मिल रहा है एडवोकेट जनरल से, एडिशनल एडवोकेट जनरल से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, हाई कोर्ट के जितने भी गवर्नमेंट प्लीडर्स होते हैं, स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, स्टेट के जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, पब्लिक प्लीडर्स होते हैं, उन सब के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका हो जाएगा, डायरेक्ट आप उनसे असिस्ट कर पाओगे, डायरेक्ट उनके लिए आप हेल्प कर पाओगे, इससे क्या होगा आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा तो इससे आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी, अपने कनेक्शन बनाने के लिए, अपने आप को खाली अगर जब भी आप हटोगे आप डायरेक्ट काम पाने के लिए इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको 100% मदद लेनी पड़ेगी, या आपको 100% मदद करेंगे, क्यों, आपने अपना हुनर दिखाया है। अब इसके अंदर जो एप्लीकेशन प्रोसेस एट द एंड मेन बात इन चीज पर डिपेंड करती है कि भैया हम सेलेक्ट कैसे होंगे और सिलेक्शन का कैसा प्रोसेस है। इसके अंदर सिंपल आपको अपनी एप्लीकेशन बाय मेल भेजनी होगी, केवल आपको अपना एप्लीकेशन मेल भेजनी होगी। कैसे, एप्लीकेशन का मतलब आपका उसके अंदर जो है कवर लेटर होना चाहिए 500 वर्ड्स का, कवर लेटर आपको बनाना है, गूगल पे जाइए सर्च करिए, कवर लेटर के बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट वहां से आप आइडिया लेके अपना कवर लेटर आधे घंटे के अंदर आप रेडी कर लोगे, पहली बात। दूसरी बात, अपना रिज्यूम ऐसा बनाइए कि हर कोई बंदा जो सामने वाला पढ़े आपके रिज्यूम पे एकदम जो है अट्रैक्ट हो जाए, दो बातें हो गई। तीसरी बात, आपका जो है एकेडमिक राइटिंग आपको लिखनी पड़ेगी कि मैंने अपने लॉ के अंदर क्या क्या काम करा है, आने वाले टाइम में मैं 10 साल में क्या क्या करूंगा, अभी जो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है मैं तब क्या क्या करूंगा, आपके पास एडवोकेट जनरल पे मुझे क्या क्या काम करने को मौका मिलेगा, क्या क्या मेरे को सिलेक्शन के टाइम पे मैं अपनी स्किल्स आपके सामने शो कर पाऊंगा, और आपके साथ काम करने के बाद मैं अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस कर पाऊंगा, ये सारी बातें आपको 2000 वर्ड्स के अंदर लिखनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपको सारे के सारे सेमेस्टर्स की अपनी मार्कशीट को अटैच करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेके 10th तक, फर्स्ट से लेके 6th सेमेस्टर तक, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट का वो भी अटैच कर देना। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर अपने लगाकर अब आपको मेल करना है agkar.careers@gmail.com पर, और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ये आपको मेल भेजेंगे कि भाई हमारे पास आ जाओ, और यहाँ पे आपको फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ये वर्क फ्रॉम होम की काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स के अंदर जाना आना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तो ये वर्क फ्रॉम होम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको फिजिकल अपीयरेंस होनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है मैंने सारी की सारी डिटेल्स इस पूरी वीडियो के अंदर समझा दी है, मेरी आशा है कि आप सभी लोगों को जो है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रखी है, आप इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और लास्ट डेट है 30th जून, 30 जून 2021 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन इनके पास पहुंच जानी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर जाननी है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बताइएगा, हम सभी लोग मिलकर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।